बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आइएगा, आज फिर मैं आपकी खिदमत में और मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए ज़बरदस्त और पावरफुल नुस्खा देने के लिए जा रहा हूँ। मनी जिससे गाड़ी होगी, टाइमिंग में खूब इजाफा होगा, सख्ती खूब आएगी, इंतिशार फुल होगा, जिरियान, एहतलाम, सूरत इंजाल, ज़कावत हिस, कतरों का निकलना और टाइमिंग की कमी के लिए कमाल का नुस्खा पेश करने के लिए जा रहा हूँ, समझे। नामर्दी शुगर वाले जो मरीज़ होते हैं ना, शुगर वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वो बंदा जो एक अच्छे और मुकम्मल कोर्स की तलाश में रहता है और वो ये कोर्स इस्तेमाल करे, मनी गाढ़ी, टाइमिंग में खूब इजाफा, सख्ती, इंतिशार में लाजवाब रिज़ल्ट देता है इंशाल्लाह, और इसके इस्तेमाल से बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा और बीमारी चंद दिनों में नेस्तोनाबूद कर देगा। इससे जो है भूख बढ़ती है, चेहरे पर अगर छाइयाँ हो तो वो ख़त्म हो जाती है, निखार लाता है, पट्ठों की कमज़ोरी दूर हो जाती है, और कमज़ोरी चाहे वो हस्त मैथुन की वजह से हो, समझे, या नाइट फील की वजह से कमज़ोरी आ गई हो, या किसी और वजह से कमज़ोरी आ गई हो, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त कमाल का नुस्खा है। और अगर स्पर्म काउंट की कमी है तो जरासीम के लिए भी ज़बरदस्त इसके अंदर चीज़ें डाली गई हैं, और ज़ूफ़े बाह के लिए कमाल का नुस्खा है, इमसाक मुकव्विय बाह नुस्खा है। किसी ख्याल या बातचीत के दौरान कतरों का निकलना और ख्यालात से पानी निकल आना, जिसकी वजह से ज़कावत हिस और सूरत इंजाल का मरज लाहिक हो जाता है, और खून की खराबी हर किस्म की कमज़ोरी दूर करता है। कमर दर्द और मोहरों का दर्द हो, इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि कब्ज़, बवासीर, मैदे की खराबी, गैस, कब्ज़, तबखीर, मैदे, नज़र की कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, समझे, इसके लिए मुअस्सर इलाज है। ख़ास कमज़ोरी जो बचपन की गलत कार्यों की वजह से लाहिक हो जाती है, मर्द को कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको शहवत आते ही बगैर इंटरकोर्स के किए इंजाल हो जाता है। उसके लिए ये मुजर्रब नुस्खा है जो आपकी खिदमत में मैं रख रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इलायची सफ़ेद ले लें 5 तोला, मूसली सफ़ेद 5 तोला ले लें, गोंद कतीरा ये भी आप 5 तोला ले लें, तुदरी सफ़ेद 5 तोला, और अस्कंद नागोरी 5 तोला ले लें, बिगबिदारा ये भी 5 तोला ले लीजिएगा, सालब पंजा 7 तोला, सालब मिश्री 7 तोला, कुश्ता मरजान 3 तोला, जौहर खुशिया 3 तोला, तुखम टंगन 3 तोला ले लें, शकाकुल 3 तोला, सतावर 5 तोला, मगज़ फुंदक 5 तोला ले लीजिएगा, मगज़ चिरौंजी ये भी 5 तोला ले लें, मगज़ पुंबदाना 5 तोला ले लीजिएगा, और तुखम सिरज 5 तोला, खरातिन मुसफ़ा 5 तोला ले लें, और मगज़ जिया पोता ये आप ले लीजिएगा 5 तोला। अब इसके जो बनाने का तरीका है ना, वो ये है कि सब अद्वियात को बारीक पीस कर रखें, बस ये आपका सफूफ तैयार हो गया। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि 1 चम्मच सुबह शाम हमरा दूध या गाय के साथ, समझे, ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, और अल्लाह के फजलो करम से इससे आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आप इसको बनाना चाहें तो किसी अच्छे माहिर काबिल हकीम से बनवा लें, और अगर कोई बनाने वाला ना मिले तो फिर आप ये बना बनाया सफूफ हमारे पास से भी मंगवा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिल अता फरमाए।